नमस्कार, काना किशोरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाय, अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय सर्दियों में हमें कई तरह से, कई बीमारियों से बचाती है और सर्दी जुकाम से भी बचाती है। उसके लिए हम एक पतीले में एक कप पानी लेंगे, पानी को गर्म करेंगे और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा टुकड़ा बस, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होता है, और इसको हम कूट कर डालेंगे। कुछ लोग इसको कद्दूकस में कस के भी डालते हैं, पर उससे चाय का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना कूट कर डालने से आता है। हम इस तरह से इसमें पानी मिलाएंगे और इसको इसमें डाल देंगे और इसको एक उबाल आने देंगे या गर्म कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आधी टीस्पून चाय की पत्ती। चाय की कोई कोई पत्ती तेज़ होती है तो थोड़ी कम लग जाएगी, ज़्यादातर आधी कप, एक कप में आधी टीस्पून बहुत होती है। और एक कप चाय के लिए हम 2 चम्मच इसमें चीनी के डालेंगे। एक नॉर्मल टेस्ट होता है, कुछ लोग जो कम चीनी पसंद करते हैं वो 1 या 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, और जो ज़्यादा पीते हैं वो 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर 2 चम्मच बहुत होती। और इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, पर इतना ही, आधा ही कप दूध इसमें लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा बच गया हमारा इसमें से, 1 कप में से, और इसको हम उबाल आने देंगे। जब एक उबाल आ जाए तो हम गैस को धीमा कर देंगे 1-2 मिनट के लिए, और उसको फिर से उबालेंगे। जब हम धीमी करके रखते हैं तो चाय की पत्ती का जो टेस्ट आता है, जो सारा फ्लेवर आता है, वो अच्छे से निकल आता है बाहर। और उसके बाद हम उसमें 2-3 अच्छे से और उबाल लेकर आएंगे। ऊपर ऐसे आएगी चाय, फिर नीचे जाएगी, एक उबाल हो गया, फिर उसको हम दोबारा से तेज़ करेंगे, फिर वो ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, 2 उबाल हो गए। उसके बाद फिर से तेज करेंगे, फिर ऊपर आएगी चाय, फिर नीचे जाएगी, 3 उबाल हो गए। इस तरह से करके 2-3 उबाल उसमें अच्छे से दे लीजिए और गैस को ऑफ कर दीजिए। और इस तरह से ऊपर से चाय को छानेंगे कप में तो एक झाग सा बन जाता है, जैसे बाहर स्टॉल वाले चाय बनाते हैं, उस तरह का एक टेस्ट इसमें आ जाता है। झाग से देखने में चाय अच्छी भी लगती है और टेस्टी भी बनती है। थैंक यू।